विजयवाड़ा मारवाड़ी सम्मेलन का स्नेह मिलन संपन्न। स्थानीय वन टाउन स्थित श्री महेश ट्रस्ट द्वारा निर्मित श्री सुखदेव राठी माहेश्वरी भवन में अखिल भारत वर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की शाखा विजयवाड़ा मारवाड़ी सम्मेलन का स्नेह मिलन समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों द्वारा मां भारती के चित्रपट पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उसके बाद आंध्र प्रदेश प्रादेशिक के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश अग्रवाल एवं सचिव श्रीमान बाल किशन लोया, विजयवाड़ा शाखा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा, संरक्षक डॉक्टर रसिक संघवी, संजय मेहता, अशोक कुमार जैन, श्याम सिंह बालावत, रमेश चंद गुप्ता, विनोद कुमार राजपुरोहित सहित पदाधिकारी ने संस्था के बारे में उपस्थित सदस्यों को पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि अंग्रेजों की सरकार ने श्वेत पत्र द्वारा मारवाड़ी प्रवासी बंधुगणों का नागरिक अधिकार छीनकर वोटिंग की व्यवस्था खत्म कर दी। तब 1935 में घटित इस संस्था द्वारा अपने अधिकारों के लिए इंग्लैंड तक संघर्ष कर NRC एवं CA जैसे कानून को निरस्त करवाया और अपने अधिकारों को प्राप्त किया एवं भविष्य में संस्था का मुख्य उद्देश्य सभी मारवाड़ी बंधु एक छत्र के नीचे रहकर सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करें एवं समाज की सुरक्षा के लिए समाज के विरुद्ध दुराग्रह फैलाने वालों के खिलाफ सशक्त एवं सामूहिक आवाज उठाना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इस संगठन की सहायता से शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान होगा। उसके बाद राजस्थानी प्रवासी बंधुओं द्वारा आंध्र प्रदेश प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन में नव निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश अग्रवाल एवं सचिव श्रीमान बाल किशन लोया का राजस्थानी परंपरागत अनुसार स्वागत और सम्मान किया गया। नवभारत समाचार से पर्वत शर्मा की रिपोर्ट। आप सभी का भी आज के इस कार्यक्रम में सम्मेलन कार्यक्रम में संगठन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम अच्छी तरह से काम करता है और जागरूकता की सहित कमी गई अपने यहाँ अभी चालू होते की मांग भी यही है कि आज एक होकर रहना जरूरी है, संगठित होकर रहना जरूरी है, साथ में करना जरूरी है ताकि बाबूजी आना पड़े। मारवाड़ी सम्मेलन आंध्र प्रदेशिक और विजयवाड़ा मारवाड़ी सम्मेलन की बहुत ही बढ़िया सुंदर रूप से सभा का गठन हुआ था। इसमें सभी प्रवासी भारतीय लोग बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिए थे और नए नए मेंबर बने थे। हमारा उद्देश्य कि सब हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके मारवाड़ियों का जो भी प्रॉब्लम रहे उसका सॉल्यूशन करना है और अपनी आवाज खाली विजयवाड़ा तक सीमित नहीं रखते हुए अपना स्टेट पूरा और दिल्ली तक पहुंचाने का है। और जो भी वागदान जो भी जो भजन लाल जी ने भी किया है या जो भी बोल रहे हैं उनके साथ में मिलके अपने मारवाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करने के लिए हम लोग आगे आ गए हैं और आप सबका साथ रहेगा तो अपना मारवाड़ियों का विकास होएगा। और आज से हमारे विजयवाड़ा के अध्यक्ष जी ने जो भी शिक्षा में योगदान करना चाहिए उसके लिए जो शिक्षा में उनकी परिस्थिति नहीं है देने की उन सबको भी हम अपने विजयवाड़ा मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से हम लोग सहयोग करेंगे और जो भी चीज की जरूरत है हमारे मारवाड़ी भाइयों को जो भी तकलीफ रहेगी हम सब साथ मिलके उसका जो भी निवारण रहेगा करके हम सब साथ में चलेंगे, सबका साथ रहेगा तो मारवाड़ी का विकास होना ही होना है। मैं बालकिशन लोया सचिव
आंध्र प्रदेश प्रादेशिक मारवाड़ी सभा विजयवाड़ा। प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के तत्वाधान में आज विजयवाड़ा मारवाड़ी सम्मेलन का स्नेह मिलन समारोह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इसमें हमारा मेन उद्देश्य सभी प्रवासी मारवाड़ी भाइयों को साथ में लेकर एकजुट होकर समाज का विकास करना, समाज में संगठन बनाए रखना, रहकर अपने भाइयों की जो जो तकलीफें हैं उसको पूरा निवारण करते हुए अपना संगठन बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, यही हमारा मेन उद्देश्य है। और समाज में जो कुरीतियां चल रही है, बाल विवाह नहीं तो जो भी अन्य कुरीतियां चलती है उसको सबको निवारण करते हुए अपना काम अपना धैर्य आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, जो प्रवासी मारवाड़ी भाइयों को मेन तकलीफ साउथ में है, जैसे डायरेक्ट ट्रेन की कोई आज तक फैसिलिटी नहीं है, डायरेक्ट हवाई की फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए आंध्र प्रदेश मारवाड़ी संगठन के तत्वाधान में इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी इसका निवारण करने की कोशिश करेंगे, यही हमारा सबका ध्येय है। जय हिंद, जय भारत।